कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पीछे एक बंद कमरे में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। बरामद किया गया गांजा लोहे की दो पेटी और दो अलग अलग बंडल में बंधा हुआ रखा था। जिस कमरे में यह गांजा बरामद किया गया था उस कमरे को देखकर प्रतीत होता है कि यहां सालों से गांजा का अवैध कारोबार किया जा रहा है और भारी मात्रा में गांजा का स्टॉक किया जा रहा है। हालांकि शुक्रवार देर रात जब यहां पुलिस की टीम ने छापेमारी की और कमरे को देखा तो कमरा बंद था और कमरे में रहने वाला व्यक्ति फरार। जानकारी के मुताबिक यह कोडरमा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला का है और किराएदार के रूप में वो एक दूसरा व्यक्ति गांजा का यह कारोबार कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने बरामद किए गए गांजे को जब्त कर लिया है, कार्रवाई में जुट गई है। बरामद किया गया गांजा लाखों रुपए का बताया जा रहा है। कोडरमा पुलिस को आज गुप्त सूचना मिली कि सामंतो काली मंदिर के पीछे एक मकान में किसी व्यक्ति के द्वारा गांजा का स्टॉक करके रखा गया है। इस बात की सूचना थाना प्रभारी पुलिस थाना प्रभारी तिलैया को मिली। तत्पश्चात वे अंचलाधिकारी को इन्फॉर्म करते हुए मुझे इन्फॉर्म किए, पुलिस अधीक्षक महोदय को इन्फॉर्म किए और अंचलाधिकारी और इंस्पेक्टर साहब आकर के यहाँ कार्रवाई लग गए। यहाँ पर आने पर वो कमरा बंद मिला, कोई आदमी नहीं थे। इंतजार किया गया, लोग को बुलाया गया तो नहीं आए। फिर हम लोग दरवाजा को खोल करके जो है अंदर गए तो उसमें रखा हुआ दो पेटी में और दो बंडल में गांजा मिला, जिसका हम लोग करवाया।